पिछले करीब 2 महीने तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री सत सिंह धर्मसोत ने अपने हल्के नाभा विखे भारतीय किसान यूनियन डकौंदा वालों कई जगह विरोध किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के किसान आगू सरबजीत कौर वालों आरोप लगाए गए सन कि धर्मसोत वालों सानू मंदी शब्दावली की वरतों की गई है, जिस तो बाद जिथे पंजाब के कैबिनेट मंत्री सत सिंह धर्मसोत जिथे भी प्रोग्राम में जाते सन उत्थे ही भारतीय किसान यूनियन के वालों लगातार उन्होंने विरोध किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के वालों मांग की गई थी कि जब तक जनतक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते उदों तक यह विवाद चलता रहेगा। अज पंजाब के कैबिनेट मंत्री सत सिंह धर्मसोत वालों किसान आगुओं से किसान आगू सरबजीत कौर के कोलों जनतक तौर पर मुआफ़ी मांग ली गई है। मंत्री वालों मुआफ़ी मांगने तो बाद किसान आगू भी संतोष दिखाई देते। पता की है ये बदकिस्मती सीधा खुशी का प्रोग्राम 40 पिंडां दा एक रस्ता सी मंडी नूं जांदा सी, बड़ी 40 साल तो मंग सी उसकी 9 करोड़ रुपया सरकार वालों के असी खुशी नाल गए सी। और कई बारी कोई गलत फहमिया ने किसान यूनियन वाले भरावां नूं उन्होंने अपनी भी मंगा सी होर सी, साडे वर्करां च भी कोई एवें गलत फहमी पैदा हुई। आ भैण सरबजीत कौर बैठी है, इन्हां ने भी सवाल किए, मैं भी किए, तो इन्हां ने सारी गल करके गुरजंट जी बैठे ने, साडे सरपंच रहे ने, होर रहे ने, सारे भरा ने साडे, गलत फहमी है। ये कहते सानू माड़ा कहा, मैं जय जवान जय किसान साड़ी कांग्रेस का नारा सी, और कांग्रेस के नाल जवान किसान दे नाल कांग्रेस पार्टी खड़ी सी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। और मेरा हलका खास करके आ सरबजीत कौर भैण साड़ी देश के दे सरहदां ते घर वाला भरा सूबेदार साहब ने, तो ये तो जे सानू कोई गल भी कह जे साड़ी भैण के तौर पर तो अच्छ तो भाई धियां भैणों तो माफ़ी मंगण नूं तैयार सी। ये गलत फहमी सी, अज सारे असं बैठे हाँ, किसी ने कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, आ मेरी भैन बैठी है जो मैं सजा लाए मैं झलन तैयार हूँ। नहीं क्वेश्चन अच्छे तक कर ही रहे हैं क्वेश्चन तो देखो, कई सरकार बहुत कुछ करती है, कई बार इन्ने लोग ने लखा लोग होंगे किसी की कोई डिमांड होंगी है, कोई डिमांड होंगी है, सारिया एको लगत पूरिया नहीं होंगे, जिमें अज असी रल के बैठे हाँ, साडे यूनियन दे ने ये 10-10 पिंडां नूं संभालदे ने, ये भी सानू दसणगे वी आ भाई तुसीं करता आ रहिंदा, असीं इहनां दी गल मन्नांगे क्यों नहीं मन्नांगे। हल्के दे नुमाइंदे तों क्वेश्चन दा कीता जा सकदा है? हां जी, हल्के दे चुणे नुमाइंदे तों क्वेश्चन दा जनता दा बणदा? हां कर लिया, मैं तां ही तां कह रहा, गलत फहमियां सी उहनां ने कर लिया, उहनां दा फर्ज बणदा सी ते असीं जवाब दे रहे हां, साडी कोई गलत फहमी सी? मैं तां कहिंदा साडी भैण है, साडे भरा आ, असीं इक दूजे नाल लड़ भी सकदे हां, इकट्ठे भी बैठ सकदे हां, पर कहते असी 90 हल्के दे इस इलाके दे बंदे हाँ, असी इलाके दे विकास लई, इलाके दे भले लई असी इकट्ठे बैठे हाँ, किसी नूं गलत फहमी ना, वो मेरी भैन बैठी आ, आ मेरे भरा बैठे ने, मैं तां कहना पंचायत पंजां दी हुंदी है, ये तो फिर 10-12 ने इलाके दे लीडर ने, मेरे तो कोई गलती गलत फहमी हुई तो मैं कहना सॉरी फिर किसे भी कोई सियासी पार्टी है, चाहे कोई अकाली दल है, कांग्रेस है, झाड़ू वाला है, इन्हां सियासी पार्टियों नाल कोई जुड़िया कोई लीडर है, साडा निजी तौर पर किसी नाल ना कोई खुंदकबाजी है, ना कोई जिद्दबाजी है, सिर्फ तो सिर्फ कल्ली भाजपा का सारे भारत के संयुक्त किसान मोर्चे वालों सानू उपरों हुक्म है भी उन्हां दा हरेक तो विरोध करना। मंत्री जी नाल जो कलेश पिया पिया पिछले 2.5-3 महीनों तो, पहली गल तो है असी जो कोई दोष लाने तत्थां के आधार से सबूतों के आधार से लाने, ना कि बिना मत वालों कोई, साढ़े को इस गल के तत्थ पे ने, साढ़े को इस गल के सबूत पे ने भी मंत्री जी वालों जाने अणजाने भी जो मर्जी कह लो, तो इन्होंने साड़ी किसान बीबी ने सारे मीडिया से जाके ये गल कही है भी ये औरतों लोगों को 500-500 रुपया लेंदी ठगियां मारदी है, साढ़े को तत्थ पे ने, यह नहीं गल भी अपने आप को कहने मीडिया वालों आए भी करते, प्रेस भी जो बयान लगे वो भी साढ़े को पिया है, फिर भी साडे प्रधान जी बैठे ने परमजीत सिंह कल्लर मंत्री चेयरमैन साहब ने, तो इन्होंने इस विवाद में सुलझाने की कोशिश की है, तो जथेबंदी फिर भी इस गल महसूस करती है भी जे मंत्री जी आपदे जमें मर्जी उन्होंने क्या सुने गया जथेबंदी तो आर साडे संघर्षशील किसान बीबी तो जे जनतक तौर पर आपदा क्या सुनया वा उदो माफ़ी मंगते हैं, तो जथेबंदी आपदा दरिया दिल दिखाई हुई
इस मसले हल हो समझती है ये ना गलत फहमी। चलो साढ़े बंद भी गलती से उत्तर जोड़े बंदे मंत्री साहब तो बाद चाहिए उत्तों पहला जो साढ़े बंद कोई गलतियां हुई असी पार्टी लैवल से वो वालों माफ़ी मांगते हैं। ये भैन आ साड़ी सरबजीत कौर साढ़े जोड़े भरा ने सूबेदार साहब वो ड्यूटी करते हैं। बाकी जोड़ा डकौंदा ग्रुप सारे प्रधान जी जल सकत्र जिले के सारे जथे अपना अहदेदार बैठे ने असी ना सारे तो साढ़े की फर्क असी माफ़ी मंगे बड़े ने छोटे कोई फर्क नहीं होंगे असी तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने जिते कहे उत्थे तैयार हाँ जाने। मंत्री साहब ने बड़ा दरिया दिल दिखाया भी भैन तो साड़ी तो माफ़ी मांगी कोई हूँ अगे तो कोई इन्हों का साढ़े प्रति रोस नहीं ना साडा पहला हैगा सी ना रहूगा गलती नहीं होगी। साढ़े उत्थे कोई नौजवान वर्कर से उन्होंने पहला मंत्री साहब के आने तो पहले ही कोई गल्ला हो गई जी इन्हों पता नहीं लग्या पता लगन तो बाद कोई गल नहीं हुई बाद कित हो बहुत अज जो सुभागा दिन जोड़ा सा फैसला हो गया किसान भरावान ठीक है। आवाजी कॉम टीवी नाभा तो पत्रकार तरुण मेहता की रिपोर्ट।